कॉमेडियन तीर्थानंद राव की तबीयत अब ठीक है। बता दें द कपिल शर्मा शो में दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर की मिमिक्री करने वाले तीर्थानंद ने बीते दिन फेसबुक लाइव के दौरान जहर खा ली थी। इतना ही नहीं, उन्होंने लाइव आकर अपनी लिव इन पार्टनर पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि यदि उन्हें कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदार उनकी लाइव पार्टनर होगी। ऐसे में जब पुलिस ने उनकी गर्लफ्रेंड को फोन किया तब उन्होंने यह कहकर फोन काट दिया कि मरने दो उसे, मैं तो वैसे भी उसे छोड़ने वाली थी। वहीं तीर्थानंद ने आज तक को बताया कि उनकी गर्लफ्रेंड ने उन पर झूठा आरोप लगाया है। तीर्थानंद बोले, मैं उस महिला की वजह से अपने ही घर में बेघर हो गया हूं। मैं पिछले 10-15 दिन से फुटपाथ पर सो रहा हूं। उसने मुझे झूठे केस में फंसा दिया है। मैं कब से उसे कह रहा हूं कि केस वापस ले ले, लेकिन वह मान नहीं रही है। वह चाहती है कि मैं अपने घर का कुछ हिस्सा उसके नाम कर दूं। इतना ही नहीं, वह चाहती है कि मैं उसे कुछ पैसे भी दूं। मैंने हाल ही में उसे 1 लाख रुपए का फोन खरीद कर दिया है, लेकिन फिर भी वह मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। इतना ही नहीं, तीर्थानंद ने आगे कहा, मैं अब सच में जीना नहीं चाहता हूँ। मैं उस महिला के टॉर्चर से परेशान हो गया हूँ। अगर कल पुलिस समय पर नहीं आती तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होता। हाँ, मैं अपनी हरकतों पर शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं क्या करता, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं बस ये चाहता हूँ कि वह महिला केस वापस ले ले। इन सब चीज़ों की वजह से मैं अपने काम पर भी फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे पास जितने पैसे थे वो भी खत्म हो गए हैं। आपका इस स्टोरी पर क्या कहना है कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए एबीवी एंटरटेनमेंट।